हेलो हेलो, इज़ दिस ट्रू? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ यार? अभी बस सो के उठा हूँ सर, देख लो, तुमको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं बस अभी सो करके उठा हूँ और इन्फॉर्मेशन मिली कि डेडपूल 3 अनाउंस हो गई है, और वो भी विद वुल्वरीन। इतने टाइम से यार मैं वेट कर रहा था इस फिल्म का। डेडपूल 2 मैंने थिएटर में देखी थी, डेडपूल 1 मैं नहीं देख पाया था, तो तब से मुझे वेट था कि यार हाँ, कॉमेडी सुपर हीरो मूवी है, इसका अगला पार्ट बनना चाहिए, और विद मार्वल के साथ बन रहा है। रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है, ह्यूज जैकमैन लास्ट में आते हैं वीडियो में। बस इतना ही होप कर रहा हूँ कि भैया मार्वल इसमें अपनी कॉमेडी ना घुसा दे, जैसा कि उन्होंने लव एंड थंडर के साथ किया था। गौर का कैरेक्टर उन्होंने जिस तरीके से एकदम बेकार कर दिया था, वो इसमें न करें। एक्साइटमेंट बहुत है, भी पूरा पूरा 2 साल रिलीज होने में काफ़ी टाइम है, लेकिन अब क्या कर सकते, सह लेंगे थोड़ा। अगर मार्वल की रिलीज स्लेट पे जाए तो थंडर बोल्ट और फैंटास्टिक फोर के बीच में मूवी आएगी 2024 में, तो सही चीज़ है। तब तक मल्टीवर्सल सागा भी चलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे न्यूज़ तो थी, 2 न्यूज़ थी इससे रिलेटेड, कि हो सकता है कि इस मूवी में ये दोनों एक मल्टीवर्सल राइड पर निकलें, जिसमें कई सारे मल्टीवर्स में जाएंगे और लड़ाई करेंगे, या फिर एक ऐसे ही स्ट्रीट लेवल फाइट हो सकती है, उसमें दोनों होंगे। रियल लाइफ में ये दोनों एक्टर इतने एक दूसरे के लिए फनी और एक दूसरे की टांग खींचा करते हैं, तो जब फिल्म में एक्ट करेंगे तो कैसा लगेगा। लास्ट टाइम मुझे लगता है शायद एक्स मैन की किसी फिल्म में मैंने देखा था डेडपूल को, मुझे इतना याद नहीं है कि काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए। चलो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से वर्कआउट होता है। अभी फाइनल स्क्रिप्ट क्या है, कैसे बनेगी फिल्म, ये भी एक क्वेश्चन है। और ह्यू जैकमैन जो वुल्वरीन है, वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे एज अ मार्वल यूनिवर्स में, कि सिर्फ एक ही फिल्म के लिए आएंगे, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, वुल्वरीन का रोल अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो ये भी देखने वाली बात होगी। एक्साइटमेंट तो बहुत है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं तो एक्साइट हूँ डेडपूल 3 देखने के लिए, और इस साल की लास्ट फिल्म जो मैं विक्रम वेदा के बाद देखने वाला हूँ वो है वकांडा फॉरएवर। अवतार वे ऑफ वाटर मैं नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि तब तक मेरे एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे, तो वकांडा फॉर एवर के लिए फिंगर क्रॉस्ड है, क्योंकि इस साल मार्वल का अच्छा तो नहीं रहा है। फिल्म के मामले में मुझे सिर्फ एक फिल्म अच्छी लगी थी, अच्छी भी नहीं लगी थी, बस सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक फील उससे आई थी, वो थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें मैंने अपने सबसे फेवरेट कैरेक्टर को देखा, प्रोफेसर एक्स को, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी फिल्म अच्छी लगी। बाकी इस साल मार्वल का अच्छा नहीं रहा है। शी हल्क भी उन्होंने एकदम बस डेडपूल सॉरी क्या कहते हैं डेयर डेविल के वजह से लोग देख रहे हैं कि अभी इस एपिसोड में आएगा, अभी इस एपिसोड में आएगा, तो वही मेरा एक फ्रेंड भी बोल रहा था, देख रहे हो विनोद कैसे डेयर डेविल के नाम पे हमारा चूतिया काटा जा रहा है, तो ये भी चीज़ है। बाकी देखते हैं किस तरीके से डेडपूल 3 बनाते हैं, एक्साइटमेंट है। बाकी नए वीडियो के लिए वेट करो, तब तक मैं नहा धो लेता हूँ यार, नहाया भी नहीं तुरंत, बस अभी तुरंत वीडियो बना लिया।